और इस बीच आज की सबसे बड़ी खबर पर डिटेल इनपुट आपके सामने, जहां गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद अब कांग्रेस में मचा हुआ है कोहराम, क्योंकि बड़ी खबर यही है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने भी अब आजाद को टारगेट करना शुरू कर दिया है और आजाद पर लगाया है बीजेपी के रिमोट से चलने का आरोप। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां श्रीनिवास कह रहे हैं संघर्ष के दौर में आजाद हो गए हैं गुलाम नबी आजाद। जयराम रमेश की तरफ से कहा गया है जीएनए का डीएनए मॉडिफाइड। और अब गुलाम नबी के इस इस्तीफे के बाद कांग्रेस में मचे कोहराम को लेकर अब आपके सामने इंफॉर्मेशन, क्योंकि राहुल गांधी के लिए गुलाम नबी आजाद ने इतना कुछ कहा है जिसकी किसी ने पहले कल्पना तक नहीं की होगी। अब आपको यहां पर इंफॉर्मेशन वॉल में मैं उन शब्दों को हाईलाइट करते हुए बताऊंगी कि आखिर अपने इस 5 पन्ने के इस्तीफे में गुलाम नबी ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और क्या बड़े आरोप लगाए हैं, वो भी सीधे राहुल गांधी के ऊपर। तो उन कुछ शब्दों पर आप गौर करिए जिनका इस्तेमाल राहुल के लिए गुलाम नबी आजाद ने अपनी इस चिट्ठी में किया है। ये शब्द यहां पर जो इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें सबसे पहला शब्द जो हमने 5 पन्नों के इस लेटर में था, वो था चाइल्डिश बिहेवियर, यानी बचकानी हरकतें। तो यहां रिफ्लेक्ट किया गया है ये कहते हुए राहुल गांधी के उन तमाम डिसीजंस को, जो पार्टी में कई बड़े डिसीजंस तो लेते थे लेकिन उन डिसीजंस में भी उस चाइल्डिश बिहेवियर का वो जिक्र कर रहे हैं, जिसमें आगे इस बात को उनकी तरफ से ना सिर्फ एक बार बल्कि कई बार दोहराया गया है कि अपमानित किया गया है। और जिस तरीके से G23 का बार बार जिक्र आता है डिसीजन मेकिंग के साथ साथ समीक्षा को लेकर, तो जो बड़े फैसले होते थे किस आधार पर लिए जाएंगे उसको लेकर अगर कभी गुलाम नबी आजाद और G23 सभी नेताओं की तरफ से सजेशंस दिए जाते थे तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता था। इसीलिए उन्होंने अपने 5 पन्नों के इस लेटर में ये कहा है कि हर सीनियर नेता को पार्टी नजरअंदाज करती आई है। यहां तक कि नजरअंदाज ही नहीं बल्कि अपमानित करती आई है, और अपमानित के साथ साथ ह्यूमिलिएशन जैसे शब्दों का भी यहां इस्तेमाल किया गया है। अब चापलूसों से घिरे हुए राहुल गांधी ये बात कही है, और जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं वो पूरी तरीके से बड़े फैसले इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए ये कहा गया है कि कठपुतलियों के सहारे रह गई है कांग्रेस, और अब जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके तहत कहना गलत नहीं है कि असफलता के साथ साथ अब बर्बादी की कगार तक पार्टी पहुंच चुकी है। अपमानित करने में अव्वल, चापलूसों के भरोसे बचकानी हरकतें, और साथ ही चापलूसों से घिरे हुए राहुल गांधी पार्टी की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।